हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी जलंधर की तरफ से अपडेट है, जहां पे आप में से बहुत सारे एलिजिबल होने वाले हैं। एनी ग्रेजुएट, ट्वेल्थ पास, डिप्लोमा, बी बीटेक आप अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर। आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखना अगर आप एलिजिबल हो, और पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त इस नोटिफिकेशन में एलिजिबल होंगे। और लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स, जल्दी से कर दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप CSIR UGC NET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो Unacademy लाया है चैंपियनशिप CSIR UGC NET, जहां पे हर संडे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगी और टॉप एजुकेटर्स की तरफ से उसका एनालिसिस भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री है और कल संडे है, तो इस टेस्ट में जरूर से अपियर करना। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो जल्दी से एनरोल कर लो और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करो। नाउ आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपको मैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी फॉर्मेट बता दूंगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन जरूरी है इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए। देखो यार, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंजीनियर की जो पोस्ट है उसको समझना डिफिकल्ट है, बाकी सबका आसान है, एनी ग्रेजुएट एंड ट्वेल्थ का। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते तो एक स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करूंगा जिसमें ब्रांचेस आपको दिख जाएगी, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसी तरीके से सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको वन बाय वन दिखा देता हूं। अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करते हो लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस नहीं किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हो या नहीं वो चेक करने के लिए आपको नोटिफिकेशन के लास्ट में जाना होगा, जहां पे आपको कंप्यूटर डिपार्टमेंट की पूरी टेबल दिख जाएगी, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन और इवन टेक्निकल असिस्टेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जो कि नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा। अगर आप यहां पे देखो तो कंप्यूटर इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीनियर टेक्नीशियन के लिए इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, टेक्नीशियन के लिए 10+ ITI मांगा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो इस तरीके से बीएससी, एमएससी भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है, तो जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो इस तरीके से आप टेबल देख लीजिए। खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को पहले ही बता दूं, आपके लिए अनरिजर्व्ड में वैकेंसी नहीं है, तो ये मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं। टेक्निकल असिस्टेंट में और सीनियर टेक्नीशियन में अगर आपने 10+ ITI किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ब्रांच से, तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन वाले में। सैलरी का डिफरेंस ये रहेगा कि टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी 35,400 स्टार्टिंग रहेगी प्लस अलाउंस, और अगर सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो 25,500 प्लस अलाउंस, और टेक्नीशियन में 21,700 प्लस अलाउंस। ये है सैलरी का स्ट्रक्चर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन का। अब आगे बढ़ते हैं जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर में सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है 35,400 स्टार्टिंग एंड बाकी अलाउंस। शॉर्ट टाइम में यही सही तरीका लगा मुझे समझाने का, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है और यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझना काफी डिफिकल्ट है। अब आगे बढ़ते हैं जो भी ट्वेल्थ पास है और एनी ग्रेजुएट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है 10+2 ट्वेल्थ और साथ में 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड, जहां पे इन्होंने डिजायरेबल में कहा है कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी तो काफी अच्छा रहेगा, और यहाँ पे आपकी जॉब लग जाएगी 12th पास के बेसिस पे आराम से। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ऐड ये किया हुआ है डिजायरेबल में बैचलर्स डिग्री मांगी है। अगर आप एनी ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसकी जो रहेगी वो यहाँ पे करीब 20,000 प्लस अलाउंस इस तरीके से रहेगी, तो आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी 35 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगा हुआ है, साथ में प्रोफिशिएंसी मांगी है कंप्यूटर स्किल्स के अंदर। उसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जहां पे ग्रुप सी है, सैलरी जो है 20,000 प्लस आपका अलाउंस वगैरह रहेंगे, और इसके अंदर 10+2 और 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड मिनिमम स्पीड मांगी है, तो अगर आपके पास ये स्किल है तो जरूर से इसमें अप्लाई कीजिए। और उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर के अंदर इन्होंने बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, जो कि सीनियर पोस्ट है तो बैचलर्स डिग्री इसके अंदर रखी हुई है, और बाकी जो है 100 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड मांगा हुआ है।
ये सीनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। और उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट, जहां पे इन्होंने 10+2 मांगा हुआ है, अगर आप साइंस से हो तो अप्लाई कर सकते हो लैब अटेंडेंट में, अगर आप साइंस से नहीं हो, कॉमर्स किया हुआ है 10+2, तो आप ऑफिस अटेंडेंट में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सैलरी जो रहेगी 20,000+ आपका अलाउंस वगैरह रहेंगे। तो ये बेसिक सा इस नोटिफिकेशन का वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो आई होप आपको वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया, तो अब अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो वीडियो छोड़ सकते हो। लेकिन यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही इसी तरीके से समझाना पड़ा क्योंकि नोटिफिकेशन ही कुछ ऐसा है। अब आगे बात करते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, तब तक आप सोच समझ के अप्लाई कर सकते हो। क्यों सोच समझ के? बिकॉज यहाँ पे फीस है 500 रुपीज। अगर आप अप्लाई करते हो और आपको ऐसा लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तभी यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है? मतलब खामखा यहाँ पे टाइम पास के लिए अप्लाई मत करना, रेंडमली सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपकी फीस वेस्ट हो जाएगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको फीस पे नहीं करनी है, वरना आपको फीस पे करनी है। इवन वुमेन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो यार, कई जगह पे रिटन टेस्ट होगी, कई जगह पे फिजिकल टेस्ट होगी, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, स्टेनोग्राफर है तो टाइपिंग टेस्ट होगी और असिस्टेंट है तो भी टाइपिंग टेस्ट होगी, हो सकता है जूनियर इंजीनियर में आपको रिटन टेस्ट दी जाए। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर के अलग अलग यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट मेंशन किए हुए हैं स्लैश करके, तो ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीस है, वैकेंसी उसके सामने काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी अप्लाई करना चाहिए, वरना अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। और जो भी यहाँ पे रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगी उसको देने के लिए आपको जलंधर जाना होगा, आपको इसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो ये बात का भी खास ध्यान रखना, उसके बाद अप्लाई करना। सो आई होप आपको सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी है, सारी डिटेल्स बता दी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और वीडियो में कुछ रह गया हो बताना तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम से इसका भी ध्यान रखूंगा और ये इन्फॉर्मेशन भी कवर करूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।